पिछले दिनों में मैं राज्यपाल साहब का भी बयान सुनिया, उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं है भी साढ़े बच्चे ने। हुण सवाल यह आ कि जे आप लखे सिधाणे नूं अलग थलग कर देंगे उहदे ते 1 लाख रुपए का इनाम रखा दिल्ली पुलिस ने, तो फिर उहदे नाल कुछ भी किया जा सकता, उन्हों अदालतां भगौड़ा करार दे देणगियां या इस हद तक भी जे वह फर्ज करो पेश ना होया टाइम से या पुलिस ने कि उन्हों फड़ लिया उस फिजिकली भी एलीमिनेट करने के चांसिस है, उन्होंने किसी झूठे पुलिस मुकाबले में भी मार सकती पुलिस। दोबारा अंदोलन में आने का मौका दो, अपने बिच बिठाओ उ मोर्चे के आफ्टरऑल भी किसी का पुत है, वह किसी का भरा है। तुम उन्होंने बारे कहा कि रुलदूत सिंह इतने बैठा साढ़े को, इन कोई पुलिस किसी तरीके फड़न की कोशिश ना करे, यही जो स्टेटस है लखे सिधाणे को अपने अंदोलन में बिठा के तुम देना चाहिए। दोस्तों अज मैं थोड़े जरिए एक सुनेहा अपने बहुत सत्कारयोग किसान अंदोलन के आगुआं कहना चाहना देना चाहना वा, और सुनेहा यह आ कि इस वक्त कुछ लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सरकार ने बहुत वड्डे मुकदमे दर्ज किए ने, बहुत वड्डी तादाद विच बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो चुके ने, जेलां च ने, बहुत सारे लोगों की जमानत भी उत्थों हो रही ने। उन्हां विचों प्रमुख तौर पर जे मैं गल करा लखा सिधाणे की, लखा सिधाणा एक की कहिंदे हुंदे कि एक जुझारू नौजवान आगू आ साडा, उसने ये जिहड़ा अपना अंदोलन चलिया उहदे च काफी वड्डा योगदान पाया, यानी कि यूथ नूं काफी वड्डे पद्धर दे उत्ते मोबिलाइज किया, और उस मोबिलाइजेशन करके जिहड़ा मोर्चा सीगा उह दिल्ली दे बॉर्डर तक पहुंच सके। सारे नौजवानों की जुरत दे नाल जो कुछ भी उत्थे नवदीप हुणा ने किया हरियाणे वाले ने, या वह जिहड़ा मुंडा सी जगमीत जिसने अपनी छाती दे उत्ते पानी दीआं बुछाड़ां खा के उहने किस तरह एक स्पिरिट भरी नौजवान तबके दे विच, ते अज आपां अंदोलन दिल्ली विच बैठा। जो कुछ 26 जनवरी नूं होया एक बार ऐ लग्या जिदा अपना अंदोलन कमजोर हो रहा, पर दुबारा फिर अंदोलन स्टेबलाइज हो गया। हुण जिहड़े लखे सिधाणे ने उत्थे रैली की महराज विच, मैं उन्हां दी तकरीर भी सुनी लखे दी, उसने काफी हद तक चंगे तरीके दे नाल किसान अंदोलन दे आगुआं नूं जिहड़ा सीगा अपना फिर दुबारा यकीन ते सपोर्ट दोहराई। पिछले दिनां विच मैं राज्यपाल साहब का भी बयान सुनिया, उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं है भी साढ़े बच्चे ने, यह बहुत अच्छी गल है। हुण सवाल यह आ कि जे आप लखे सिधाणे नूं अलग थलग कर देंगे उहदे ते 1 लाख रुपए का इनाम रखा दिल्ली पुलिस ने, तो फिर उहदे नाल कुछ भी किया जा सकता, उन्हों अदालतां भगौड़ा करार दे देणगियां या इस हद तक भी जे वह फर्ज करो पेश ना होया टाइम से या पुलिस ने कि उन्हों फड़ लिया उस फिजिकली भी एलीमिनेट करने के चांसिस है, उन्हों किसी झूठे पुलिस मुकाबले में भी मार सकती पुलिस। इसलिए हुण अपना सब का फर्ज है ना सिर्फ लखा सिधाणा बल्कि जिन्हें भी लोगों के खिलाफ परचे मुकदमे दर्ज हुए ने, आपां सब दी डट के उन्हां दी हमायत करिए, और किसान अंदोलन के आगू नूं इह कहना चाहुंदा कि तुसीं उस नूं दुबारा अंदोलन में आउण दा मौका दिओ, अपने विच बिठाओ उत्थे मोर्चे दे विच, क्योंकि उत्थे फिर पुलिस उन्हूं फड़न की कोई गल नहीं करेगी, और जदों किसान अंदोलन की जदों गलबात केंद्र दे नाल होवेगी, अगर फर्ज करो सारे केसिस सरकार कोई अपना कॉम्प्रोमाइज हुंदा काले कानून रद्द हुंदे ने उहदे विच इह भी सारे आ जाने के सारे मुकदमे वापस ले जाते हैं, तो सारी खजालत बच जाएगी। आफ्टरऑल वह भी किसी का पुत है, वह किसी का भरा है। इसलिए मैं अज यह सुनेहा तुहानू सत्कारयोग किसान अंदोलन के आगुआं नूं देना चाहुंदा सी, क्योंकि मैं सुन रहा सी उन्हां दे बयान के दिल्ली पुलिस नूं ते बीजेपी नूं वॉर्न किया कि रुलदा सिंह जिहड़ा किसान आगुआं दा एक बहुत अच्छा लीडर है, बहुत मानसा तो ने, बहुत चंगे ने, मेरे सज्जन ने, मैं उन्होंने टेलीफोन से गलबात होंगी रही है। तुसीं उन्होंने बारे कहा कि रुलदूत सिंह इत्थे बैठा साडे कोल, ते इहनूं कोई पुलिस किसी तरीके नाल फड़न की कोशिश ना करे, यही जिहड़ा स्टेटस है इह लखे सिधाणे नूं अपने अंदोलन में बिठा के तुहानूं देना चाहिए, क्योंकि जे माड़े मोटे कोई डिफरेंस होए भी सीगे सारे मैनूं नजर आउंदे ने कि सॉर्ट आउट हो गए, तो एक बार यूथ दे विच एक दुबारा एनर्जी भरी जाएगी और लोगों के कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मैनूं पूरा आस है कि साडे किसान अंदोलन नूं चला रहे जिहड़ी लीडरशिप है वह सारी बड़ी सूझवान है, बड़ी की कहिंदे मैच्योर्ड लीडरशिप है, वह मेरे इस सुझाव नूं जरूर ध्यान रखणगे और लखे सिधाणे नूं इस मोर्चे दे विच हिस्सा बना के अपने कोल अपनी शरण दे विच इस अंदोलन का हिस्सा बना के उस नूं जिहड़ा हैगा प्रोटेक्ट करनगे, उस नूं उहदी हिफाजत करनगे। बस अज दी मेरी यही बेनती सी, मैं उम्मीद करदा कि साडे जिहड़े आगू ने जरूर साडी
निम्रता नाल ये बेनती प्रवान कर दी है। तो सारा का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।